पानी बहुत मीठा था। 500 के चेंज है तेरे पास? जी मैम साहब। अरे रुको मैम साहब, मैम साहब ये आप क्या कर रहे हो? अरे मैम साहब आपने नारियल पानी पी लिया, मैंने आपको 500 रुपए की छुट्टी भी दे दिए और आपने मुझे 500 रुपए नहीं दिए। मेरे 500 रुपए तो दो मेरे को। तुझे पता है मैंने ये पैसे क्यों लिए? मुझे मेकअप का सामान लाना था इसलिए। मैडम तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तो 500 रुपए दीजिए। अबे तू मेरी वर्दी नहीं देख रहा है क्या? दो मिनट में काम धाम सारा हटा दूंगी यहाँ से, समझता क्या तू पुलिस वाले को? मैम साहब ऐसा मत करिए आप, आपने नारियल पानी ही पी लिया और मेरे 450 रुपए भी नहीं दिए और 500 रुपए भी ले लिए। मैम साहब मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो। कहाँ है तुझे मेकअप का सामान लेना, समझ में नहीं आ रहा तुझे? और वैसे भी ये ठेले वेले लगाने के ना हफ्ता लेते हैं हम, तू लगता है यहाँ पे नया आया है अभी। मगर मैम साहब हमसे हफ्ता लेने तो कोई वीरू पुलिस वाला आता है, हम उन साहब को भी हफ्ता दे और आपको भी दे। एक बात सुन ले कान खोल के, मैं यहाँ रोज आऊंगी, रोज नारियल पानी पीऊंगी और रोज तुझसे पैसे लूंगी और तुझे ठेंगा कुछ नहीं दूंगी, तब समझ में आएगा तुझे तूने मुझसे पंगा लिया है ना। मैम साहब मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो, मैं आपके क्या हाथ जोड़ता हूँ, कहूँ तो आपके पैर पकड़ता हूँ। अबे ओ ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा, समझा ना? पैसे तो मैं तुझे दूंगी नहीं और कल तक तेरे ही तामझाम अटवाती हूँ, देख तू अब। मैम साहब नहीं, ऐसा कुछ मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मुझसे पैसे ले लीजिए, बस मेरी रेडी मत हटवाइए, मैम साहब छोड़ दीजिए। लगता तू ऐसा नहीं मानेगा। रुक जाओ, क्या हो रहा है ये सब? अरे भाई साहब इस अनपढ़ को आप ही समझाओ, इस पुलिस वाली की वर्दी में कितनी ताकत होती है, मुझसे पैसे मांग रहा है ये। सर देखिए ना मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, ये मैम साहब मेरे पास नारियल पानी पीने के लिए आई थी, इनके 50 रुपए होते हैं तो इन्होंने मुझसे बोला कि भैया 500 रुपए छुट्टा दे दो, मैंने इनको 450 रुपए वापिस दे दिए, इन्होंने 450 रुपए भी ले लिए और मुझे 500 रुपए भी नहीं दिए, और तो और बोल रही है कि तेरी रेडी हटवा दूंगी, बताइए साहब मैं क्या करूँ, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, आप इन मैम साहब ने बोली ना मुझे मेरे पैसे दे दे। अबे इसे क्या बता रहा है, ये क्या कर लेगा मेरा, इसे खुद को पता है कि पुलिस वाले की कितनी पावर होती है। हाँ मैडम इस नारियल पानी वाले के जितने पैसे तुमने लिए ना शराबत से इसको वापस कर दो। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे दिमाग चला रहा है, अभी तुझे बता औकात मेरे मिस साहिबा खान। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे सिर्फ तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे थाने में जितने भी लोग हैं ना सबका नाम मालूम है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। कौन हो आप? मिस्टर सौरभ सोनी, तुम्हारे थाने का नया SHO। सर आप ही हो सौरभ सोनी जिनका ट्रांसफर हमारे थाने में हुआ है? हाँ मैं हूँ सौरभ सोनी, शर्म आने चाहिए तुम्हें, शर्म इस वर्दी का नजायज फायदा उठाती हो। अरे नहीं 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 सर, सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। इस गरीब नारियल पानी वाले का नारियल पानी पीकर उसको पैसे नहीं दिए और उससे उसके सारे पैसे ले लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बहुत देर से पेड़ के पास खड़े होकर ना यही देख रहा था कि यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है, अभी अभी तुमने खुद ही कबूल करा कि तुम और तुम्हारे पुलिस वाले यहाँ पर ठेली वाले से हफ्ता वसूल करते हो, सिर्फ तुम्हें ही नहीं उन सबको भी सस्पेंड करके रहूंगा मैं, चलो तुम थाने। एक गरीब इंसान ना बड़ी उम्मीद के साथ पुलिस वालों के पास जाता है उनसे मदद मांगने, और तुम उल्टा उनकी मदद करने के बजाय उनसे ही पैसे मांगते हो, उनको परेशान करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम लोग ही ऐसा करोगे तो एक गरीब इंसान जाएगा कहाँ पर? सॉरी सर मुझे माफ कर दो, और तुम ये लो 500 का, तुम ये सारे पैसे रख लो। सर मुझे माफ कर दो, मैं आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करूंगी, किसी का भी दिल नहीं दुखाऊंगी सर, एक गलती माफ कर दो सर प्लीज सर। पैसे तो तुमने इसको वापस कर दिए, लेकिन ये मत समझना कि पैसे वापस करके तुम बच जाओगी, तुम्हें तो मैं सस्पेंड करके रहूंगा, चलो तुम थाने। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंसाफ दिला दिया, वरना ऐसे पुलिस वाले रोज मेरी दुकान पर आकर मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझसे हफ्ता वसूली करते हैं, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हें इन जैसे लोगों को कोई हफ्ता देने की जरूरत नहीं है, कड़ी धूप में इतनी दिन रात मेहनत करते हो तुम दो रोटी कमाने के लिए और उसका भी कुछ हिस्सा इन जैसे लोगों को दे देते हो, आगे से कोई भी हफ्ता मांगने आए उसे साफ मना कर देना, और अगर वो नहीं माने तो सीधा ले आना मेरे पास थाने में। जी साहब। चलो ऐसे ही ईमानदार ऑफिसर की जरूरत है हमारे देश को। दोस्तों क्या सीनियर अधिकारी ने इस पुलिस वाली के साथ सही किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पेज को फॉलो करना मत भूलना।